उन्होंने कहा सी कि जेकर करोना दौरान उन्होंने पेपर उस दिन ऑफलाइन उस बार ऑफलाइन ले सके, वो कहते सी जो इस बार असी ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं इस दौरान जेकर किसी विद्यार्थी की सफली आ जाती है कंपार्टमेंट आ जाती है वो फीस जी यूनिवर्सिटी नहीं लेगी वह भुगतान कॉलेज को करवाया जाऊगा। हाँ जी सारे ही विद्यार्थी साथियों मेरे वालों नवदीप दुकुआहा वालों जय भीम जय भारत वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह विद्यार्थी एकता जिंदाबाद स्टूडेंट संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। सो विद्यार्थी साथियों जिस तरह के तुहानू पता कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने इस बार जो रीवैल्यूएशन दे रिजल्ट कढ़े आ वो अत्यंत मंदभागे कढ़े आ। सो मैं एक दूसरी गल क्योंकि यूनिवर्सिटी ने 15 मई विद्यार्थियों के नाल मता पास किया सी उन्होंने कहा सी कि जेकर करोना दौरान उन्होंने पेपर उस दिन ऑफलाइन उस बार ऑफलाइन ले सके वो कहते सी जो इस बार असी ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं इस दौरान जेकर किसी विद्यार्थी की सफली आ जाती है कंपार्टमेंट आ जाती है वो फीस जी यूनिवर्सिटी नहीं लेगी वह भुगतान कॉलेज को करवाया जाऊगा क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने रिस्क के पेपर ले सके विद्यार्थियों की उदो तैयारी नहीं सी ना पढ़ाई हुई सी ऑनलाइन पढ़ाई करा के ऑफलाइन पेपर ले गए थे इस करके यूनिवर्सिटी ने मनिया कि असी कर रहे हैं सरकार के ऑर्डर का असी पालन कर रहे हैं असी मजबूर हाँ पर असी तुहाडे कोलों रीपेयर के पैसे नहीं लवेंगे। ये मता बकायदा 5 विद्यार्थियों के साइन जिन्हों विद्यार्थियों मैं लीड कर रहा सीगा उस समय और उस समय यूनिवर्सिटी लीड कर रहे थे डीन ऑफ अकैडमिक अफेयर एंड डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर उन्होंने बैल साहब और उन्होंने कहा सी कि असी जिहड़ा आ वो पैसे नहीं लवेंगे और प्रिंसीपल्स नू प्रिंसीपलों के विचों नुमाइंदा गुरपिंदर सिंह और उन्होंने उस समय लीड किया सी। सो असी कहने भी वो मते अनुसार विद्यार्थियों की फीस नहीं लेनी चाहिए पर जो हुण सानू खबर मिली है कि विद्यार्थियों के पासों इन्होंने पैसे मंगे है असी एक गल कह देनी चाहते हाँ कि रीपेयर के पैसे जो मता पाया उसके अनुसार नहीं देने विद्यार्थियों ने तो नहीं दिते जाएंगे तुसी हुण मंग रहे हो तो फिर असी जिहड़ा आ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਓ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਓ ਦੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਾਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ